हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति सिंह। माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ पोई दे के मसूर दाल बनाने। पोई है, पोई जो मैंने अपना पौधे से कटिंग करके लाई हूँ। मैं छत पे लगा रखी हूँ, आपको भी मैंने पहले वीडियो में दिखाई हूँ। पोई शाक जो है वो आपको बहुत प्रोटीन के मात्रा होते हैं। जिनके शरीर में खून की कमी होती है उनको खाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ता में दो दिनों खाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें कैलोरी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बहुत अच्छी स्वादिष्ट की शाक है। आप कोशिश करो इसको बनाओ और खाओ। तो चलिए दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। पोई को मैंने कटिंग करके वॉश कर लिए चार पांच बार पानी में। इसको डंठल को मैं अलग से साफ़ कर लिए, पत्ते को अलग से साफ़ कर लिए। 200 ग्राम मसूर दाल चाहिए, और चाहिए 2 टमाटर जिसको मैं बारीक कटिंग करके रखी हूँ, और चाहिए आपको 1 टेबल स्पून MDH के किचन किंग मसाला, 2 टेबल स्पून देसी घी, 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप स्वाद अनुसार देना, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चीनी आप अपने हिसाब से देना, चीनी देने से थोड़ा स्वादिष्ट बनते हैं, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक के पेस्ट, और चाहिए पानी, ऑयल। तड़के के लिए चाहिए 2 ऑनियन जिसको मैं कटिंग करके रखी हूँ, 2 लाल मिर्च साबुत, 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 तेज पत्ता, 1 टीस्पून साबुत जीरा, और 4 हरी मिर्च जिसको मैं कटिंग करके रखी हूँ। अब मैं गैस ऑन करके रेसिपी को बना के दिखाते हैं आपको। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसमें डाल देंगे जीरा, तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च और दालचीनी। अब मैं इसी में थोड़ा सा शैलो फ्राई करके प्याज डाल देंगे। प्याज मेरा हल्का सा शैलो फ्राई हो गया है, आप देख सकते हो पिंक शेड में आ गए। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हल्का सा भून लेंगे क्योंकि इसके जो कच्चापन निकल जाएंगे। इसके बाद मैं डाल देंगे हरी मिर्च। अब इसमें मैंने पोई के जो डंठल साफ करके रखे थे वो डाल देंगे। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी। ऐसे मसूर दाल खाना चाहिए, मसूर दाल में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। अब इसमें मैंने नमक हल्दी काली मिर्च जीरा और चीनी दाल हल्का सा शैलो फ्राई हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर इसको कटिंग करके डालने से स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसमें कटिंग करके टमाटर डालना चाहिए। अब मैं इसमें पोई डाल देंगे। पोई के रिलेटेड कोई भी अगर आपको रेसिपी देखना है तो ऊपर में जाके आइकन को क्लिक करना। अब मैं इसमें पानी डाल देंगे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। दस मिनट मेरा हो चुके हैं।
मसूर दाल और पोई बन के तैयार हो गया। कितनी जल्दी ये बन गया आप देख सकते हो। अब मैं इस पे MDF के किचन किंग जो मसाला लिया था वो डाल देंगे। अब इसके ऊपर से मैंने जो घी लिए थे वो दे दिए। घी देने से क्या होगा, थोड़ा स्वाद और बढ़ जाएगा। अब मैं जा रही हूँ इसको साफ करने। अब देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल कलर आया हुआ है। पोईशाक मसूर दाल देके रेसिपी बनके तैयार हो गया। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, माया किचन को सब्सक्राइब करने भूलना मत।